क्वेश्चन नंबर तीन, यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री और टेन ए माइनस बी बराबर एक बटे रूट थ्री, तो उसके बाद लिखा हुआ है जीरो डिग्री लेस लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और ए ग्रेटर देन बी, तो ए बी का मान ज्ञात करें। तो यह सवाल में जो लिखा हुआ है तीन नंबर में, तो तीन नंबर में लिखा हुआ है कि टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, क्या दिया गया है रूट थ्री, टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, ठीक है। तो टेन, देखिए दोस्त एक काम तो हम लोग करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, लेकिन रूट थ्री देखेंगे कि टेन में ही रूट थ्री किसका मान है, तो टेन 60 डिग्री का मान रूट थ्री जो है, टेन 60 डिग्री का मान जो है रूट थ्री होता है। तो यहां लिखेंगे इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा टेन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यह इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं एक, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं एक, ठीक है। उसके बाद जो है एक समीकरण और दिया गया है, क्या दिया गया है लिखो ऑल्सो, मतलब खाना का स्वाद बदल दो, तो स्वाद बदलने के लिए कौन सी आएगा ऑल और सो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है टेन, टेन लिखा हुआ है ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी बराबर एक बटे रूट थ्री, तो वही काम करना है टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, लेकिन यह एक बटे रूट थ्री जो है टेन में ही देखेंगे, इसमें देखेंगे टेन में, तो टेन कितना डिग्री है टेन 30 डिग्री, तो अब क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। तो समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर दो, तो अब लिखेंगे यह दोनों में से लिखेंगे समीकरण, दोनों को तुलना कर देते हैं, मतलब समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करते हैं तुलना करते हैं, देखते हैं समीकरण एक तथा समीकरण, समीकरण कितना से दो से, समीकरण एक तथा कितना से समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा कितना से दो से, समीकरण एक क्या लिखा हुआ है, समीकरण एक में लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर एक। दूसरा लिखा हुआ है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री, समीकरण नंबर यह क्या है दूसरा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा एड कर देते हैं, एड करने पर क्या होता है एडिंग करने पर क्या होता है, एडिंग करने में करने पर चिन्ह में कोई तरह का परेशानी नहीं, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि एडिंग करने पर चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह दोनों प्लस में माइनस में कट जाएगा, एक रुपया दो रुपया, दो ए बराबर 60 रुपया 30 रुपया मिलाकर कितना रुपया 90 रुपया, दो इधर गुना में है उधर कौन सी में जाएगा, इधर दो गुना में उधर कौन सी में भागा में, 90 बटे कौन सी दो, तो 45 दूनी क्या होता है 90, ए बराबर कितना 45 डिग्री, ए बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री, लिखेंगे ए का मान समीकरण 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 एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ ए का मान है 45 डिग्री प्लस बी का मान निकालना ही है,
तो बराबर 60 डिग्री प्लस में होने कौन चीज में माइनस में है ना, प्लस में तो होने माइनस में। तो लिखते हैं बी बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, तो 60 माइनस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री, 60 में से 45 गया तो कितना 15 डिग्री। तो लिखेंगे अतः अतः सो आधे बदल दो सो, तो सो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा अभी निकालने हैं 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, यह दोनों क्या हुआ आंसर। ठीक है सवाल नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बताए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है तो एक नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ एक नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है तो यह सत्य है या असत्य है यह पहले हमको देखना है, तो यह पहले हम लोग यह तो केवल क्या है यह पहले देख लेंगे यह सत्य होगा या असत्य होगा। तो पहले एक काम करते हैं एंगल ए का मान 30 दे देते हैं 30 डिग्री और एंगल बी का मान जो है 60 डिग्री देके देख लेते हैं क्या सत्य है या असत्य है। तो साइन साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन कौन सी है बी, तो साइन ए ए का मान है 30 डिग्री लेफ्ट मान लिया गया है और सब संख्या हो सकता है साइन में 45 डिग्री भी 30 डिग्री भी रह सकते हैं। ठीक है तो 30 प्लस 60 डिग्री ठीक है इक्वल टू साइन यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ए के जगह पर 30 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा कौन सी यहाँ भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो 30 और 60 मिलकर क्या बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 का मान होता है 1/2 साइन 30 का मान 1/2 ठीक है प्लस यहाँ देखिए साइन 60 का मान क्या होता है साइन 60 का मान होता है √3/2 साइन 90 का मान क्या होता है साइन 90 का जो मान होता है वह 1 होता है। ठीक है और यहाँ यह 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 और 2 कैल्शियम 2 2 में 2 से भागा देंगे कट जाएगा बचेगा 1, 1 से गुणा करेंगे तो 2 × 2 फिर भागा देंगे कट जाएगा फिर क्या हो जाएगा यहाँ √3। क्या यह दोनों मान आपस में बराबर है, नहीं है यह दोनों मान आपस में बराबर नहीं है इसीलिए यह क्या है असत्य है। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है 1 का आंसर क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है या नहीं होता है यह कहता है हमको बताने के लिए। तो देखते हैं साइन थीटा का मान थीटा के मान वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान वृद्धि होता है या नहीं वह देखना है। तो पहले एक काम करते हैं क्या करते हैं साइन थीटा का साइन थीटा मतलब साइन का किसका केवल साइन का साइन का हमको देखना है कि अगर थीटा का मान अगर मान लो कि साइन डकते हैं साइन 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जैसे कि साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2
फिर सैंतीस का मान, साइन साठ का मान क्या हो जाएगा, पहले साइन पैतालीस का मान, साइन पैतालीस का मान हो जाएगा एक बटा रूट दो, ठीक है। उसके बाद साइन साठ का मान, साइन साठ का मान क्या हो जाएगा रूट थ्री बटे दो। उसके बाद जो है उसके बाद साइन नब्बे का मान, यह साइन नब्बे का मान हो जाता है एक। यह क्या है जीरो के बाद एक बटा दो, यह सम्मान में क्या है बढ़ रहा है, मतलब साइन का जो मान है वह बढ़ता है, मतलब जीरो डिग्री का मान क्या है जीरो है, साइन तीस का मान कितना है एक बटा दो है, उसके बाद साइन पैतालीस का मान क्या है एक बटा रूट दो है, मतलब यह जो है इसका क्रम कैसा है, ये इसका क्रम जो है बढ़ते क्रम में है, क्या है बढ़ते क्रम में है। अगर बढ़ते क्रम में है तो यह कहता है वृद्धि होता है या नहीं होता है, हाँ तो वृद्धि होता है, जिसमें बोलेंगे तो इसमें हो जाएगा सत्य हो जाएगा, इसका चार का दो नंबर में आंसर क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है तीन। तो क्वेश्चन नंबर तीन जो है, क्वेश्चन नंबर तीन में क्या है, क्वेश्चन नंबर तीन इसमें कहता है, क्वेश्चन नंबर तीन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीन में कहा जा रहा है कि थीटा में वृद्धि करने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो यह असत्य है कि मतलब कॉस थीटा का मान जो है मतलब मान में जो है वृद्धि नहीं होता है। पहले देख लो बढ़िया से, कहने का मतलब साइन में देखे थे अभी ना, साइन थीटा में, तो साइन थीटा में देखते हैं फिर थोड़ा कॉस थीटा में देख लो इसमें, तो यह दोनों मान में एक बार दिखा देते हैं किस तरह से होता है। तो पहले इसमें यहां क्या हो जाएगा जीरो डिग्री, ठीक है जीरो, तीस डिग्री, उसके बाद होता है पैतालीस डिग्री, उसके बाद क्या होता है साठ डिग्री, उसके बाद नब्बे डिग्री। कभी साइन जीरो डिग्री का मान, अभी साइन जीरो डिग्री का मान क्या होता है लिखा है जीरो होता है, उसके बाद क्या होता है साइन तीस का मान एक बटे दो, और साइन पैतालीस का मान होता है एक बटे रूट दो, और कॉस साठ का मान, कॉस साठ का मान क्या होता है रूट थ्री बटे पंची दो, और साइन नब्बे का मान कितना होता है एक, ठीक है। इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, इसको क्या करते हैं मतलब पलट देते हैं, मतलब पलटने के बाद जो है कॉस का मान निकलेगा, कॉस जीरो डिग्री का मान निकलेगा, तो पहले तो इसको पलट देते एक हुआ, उसके बाद आएगा रूट थ्री बटा दो, उसके बाद क्या आएगा एक बटा रूट दो, उसके बाद आएगा एक बटा दो, उसके बाद आएगा जीरो। यहां देखिए मतलब साइन थीटा में वृद्धि हो रहा है, जीरो से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कॉस थीटा का मान जो है एक के बाद, उसके बाद एक के बाद यह कम, उसके बाद यह कम है, इसके बाद यह कम है, उसके बाद यह कम है, मतलब साइन थीटा का मान में क्या हो रहा है नहीं, कॉस थीटा का मान में क्या हो रहा है कमी हो रहा है, कॉस थीटा के मान में क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो तीन का क्या हो जाएगा आंसर असत्य हो जाएगा, तीन का क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर चौथा। चौथा सवाल में कह रहा है चौथा में है कि साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखते हैं चार नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं, यह देखना है। तो देखो लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर कौन सी लेते हैं कॉस थीटा लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा मतलब थीटा का अगर मान लो कि थीटा का मान 30 डिग्री ले लेते हैं, थीटा का मान कितना लेते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखते हैं तो क्या होता है साइन 30 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस
30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या हो जाता है, साइन 30 का मान जो है 1/2, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 का मान, लेकिन कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। क्या यह कभी बराबर है, नहीं कभी बराबर नहीं है, यह कभी 1/2 बराबर √3/2 होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इसीलिए यह क्या है असत्य है, यह इसीलिए क्या है असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 का 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a बराबर दिया गया है 0 डिग्री, ठीक है। तो पर cot a परिभाषित नहीं है, देखो cot a क्या लिखा हुआ है, cot a परिभाषित नहीं है, तो देखो cot a एंगल मतलब a का मान दिया गया है कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्या दिया गया है 0 डिग्री, ठीक है। देखो 0 डिग्री दिया गया है, उसके बाद क्या करना है, एंगल ए की जगह पर दे दो कौन सी 0 डिग्री, क्या देना है 0 डिग्री। कॉट 0 का मान, अगर कॉट 0 का मान पूछा जाए तो क्या होता है इन्फिनेटिव, तो यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, नहीं मिस्टेक दोस्त, यह सत्य हो जाएगा, क्या होगा यह सत्य होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव आया है इसीलिए यह क्या होगा सत्य होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। एक और देख लो, क्या कहते हैं इसको जो है और तरीका से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, जैसे cot लिखा हुआ ना, cot a लिखा हुआ है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है cos a या by sin a, sin a, ठीक है। cos a एंगल के जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा 0 डिग्री, रखो cos 0 डिग्री बटे sin साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 1/0 कहने का मतलब क्या होता है इन्फिनेटिव, यहां से भी निकल के क्या आया है असत्य, यह इसका आंसर हो जाएगा कौन सी, यह भी इन्फिनेटिव, यह भी इन्फिनेटिव है, कहने का मतलब यह क्या है सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है